हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर आपके लिए लेकर आया है 7 दिन का ट्रेनिंग सेशन फॉर स्मार्ट बिलिंग, जिसमें हम लगातार 7 दिनों तक स्मार्ट बिलिंग के फीचर्स और उसके यूसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ अस फॉर नेक्स्ट 7 डेज फॉर स्मार्ट बिलिंग डिटेल ट्रेनिंग। यहाँ पे आज हम पहला चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी लेजर एंड स्टॉक आइटम इन स्मार्ट बिलिंग। किसी भी कंपनी के लिए मास्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर ट्रांजेक्शंस। लेट स्टार्ट। दिस इज द मेन लॉग इन स्क्रीन ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, मैंने एक डेमो कंपनी बना के रखी है, सो हियर आई एम लॉग इन विद दैट कंपनी एंड दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें मास्टर्स दिख रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स है, रिपोर्ट्स है और कुछ यूटिलिटीज़ है, जिसको हम लगातार नेक्स्ट सेशंस में डे बाय डे देखते जाएंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा लेजर क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन एंड आइटम क्रिएशन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कंपनी क्रिएशन। सो फर्स्ट वी नीड टू गो टू द मास्टर इन दैट कंपनी। मैंने एक कंपनी आपके लिए बना के रखा है, आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग दैट कंपनी। सो दिस इज द कंपनी डिटेल। यहाँ पे हम अपनी कंपनी की सारी डिटेल डालेंगे, जैसे कि नाम हुआ, एड्रेस हुआ, कॉरेस्पोंडेंस डिटेल है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, कंट्री है, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा मेरी कंपनी का, और इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कुछ फीचर्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। सो फर्स्टली देयर इज़ अ स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम पान नंबर डाल सकते हैं, इफ़ वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी वी कैन हैंडल द CIN ऑल्सो, विच इज़ अ कंपल्सरी कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इफ़ वी फॉल इन टू द GST रेगुलर डीलर वी इनेबल द GST। अगर हम कंपोजिशन में है तो भी हम कंपोजिशन मेंटेन कर सकते हैं विद इन स्मार्ट बिलिंग। सो हियर वी एंटर GSTN नंबर और एप्लीकेबल। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई सर्विसेज और वी हैव अ LUT और बॉन्ड नंबर जिसके अंडर हमें टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, तो वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विद द पीरियड। एंड ईवे बिल के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ सेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट GST। GST के अंदर एक चीज़ और है कि हमें GST का कॉन्फ़िगरेशन करना है कि हम कितने टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर में डीलिंग कर रहे हैं, मतलब कि टैक्सेशन स्लैब हमारी आइटम का कमोडिटी का क्या है। इफ़ वी आर डीलिंग इनटू 5%, 12%, 18%, 28%, सो वी कैन हियर डिफाइन इट CGST एट द रेट, SGST एट द रेट एंड सिमिलरली सेम फॉर IGST। सो यहाँ से डिफाइन करने से क्या होगा कि हमें ट्रांजैक्शन करते वक्त टैक्सेशन लेने नहीं होंगे, वो अपने आप सेट होके आएंगे। सो दिस इज़ अ वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू डू इन अ कंपनी। ये कंपनी वाइज क्यों दिया गया है, बिकॉज अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनी है तो इन स्मार्ट बिलिंग सिंगल लाइसेंस कॉपी आप एक से ज़्यादा कंपनी मेंटेन कर सकते हैं, और हो सकता है एक कंपनी टैक्सेबल हो, एक कंपनी नॉन टैक्सेबल होगी, एंड देर इज़ अ वेराइटी ऑफ नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सो हियर इट इज़ अ वन टाइम सेटअप टू डू द GST ट्रांजेक्शन्स। सो हियर वी आर क्लोजिंग इट। आफ्टरवर्ड्स ट्रांजेक्शन फीचर्स, यहाँ पे जितने ट्रांजेक्शन फीचर्स हमें चाहिए वी कैन इनेबल इट। परचेज है, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफ़र, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर वी कैन यूज़ इन स्मार्ट बिलिंग इन अ टू वे। एक तो आप ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इफ़ यू वांट टू मेंटेनिंग द कोटेशन, कि आप अपनी पार्टी को या कस्टमर को कोटेशन देना चाहते हैं एंड लेटर ऑन इट विल बी ट्रैक्ड इन द सेल्स, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फीचर फॉर दैट पर्पस। सेल्स रिटर्न हुआ, कैलकुलेट बैलेंसेज ऑन लॉग इन। फिर आपका इन्वॉइसिंग फीचर कैसा रहेगा, कैश रखना है कि क्रेडिट, इट इज़ अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपनी। कि अगर कोई रिटेल बिजनेस होगा तो उसका मेन ट्रांजेक्शन फीचर कैश हो सकता है एंड अदर देन क्रेडिट, सो यू कैन सेट इट हियर।
if you are doing the different voucher types, so you can set that here. So this is all about transaction features. So moving forward, inventory features. Inventory means stock item. यहाँ पे जितने फीचर्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू द आइटम. इन्वेंट्री फीचर्स में इनेबल आइटम वाइज डिस्काउंट, गोडाउन, डिस्क्रिप्शन, बैच. एज यू नो सम ऑफ द गुड्स आर बैच हैविंग द बैच एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी. सो यहाँ से वो चीज़ भी इनेबल हो सकती है. इन अदर फीचर्स अगर आप इनेबल ऑटो बैकअप करना चाहते हैं कि जैसे ही सॉफ्टवेयर एग्जिट करेगा वो अपने आप डिफाइंड लोकेशन पर बैकअप ले ले, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन द बैकअप पाथ कि आपको बैकअप पाथ कहाँ पे डालना है. लोगो, अगर लोगो आप चाहते हैं तो जितने भी आउटगोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस है, सॉफ्टवेयर से निकलने वाले डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस है, रिसिप्ट्स है, रिपोर्ट्स है, तो वहाँ पे ये लोगो आएगा. देन बैंक इन्फॉर्मेशन. ये क्यों ज़रूरी है? जैसे हियर अगर हमने बैंक बना के रखा है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप फिल भी कर सकते हैं. हियर आई ब्रांचेस बड़ौदा. सो ये जो बैंक इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी की बैंक इन्फॉर्मेशन है, जो इनवॉइस के दौरान आप प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो. तो इनवॉइस में जो बैंक डिटेल अपना आएगा वो यहाँ से पिक होके आएगा. सो यू कैन सेट एज पर योर जॉब. एंड द लास्ट स्मार्ट फीचर. यहाँ पे कुछ यूटिलिटी एंड फीचर्स आज के टेक्निकल युग में जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे ईमेल मॉड्यूल है, एसएमएस मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स हम डिटेल में लेटर ऑन स्टडी करने वाले हैं. सो यहाँ से वो इनेबल हो सकते हैं. सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ कंपनी, और यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं. कुछ भी आपको चेंज करना है, मोबाइल है, ईमेल है, या एनी इन्फॉर्मेशन और एनी इनेबल डिसेबलमेंट ऑफ द फीचर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपनी मास्टर. Okay, I hope you understand that. If you have any query, you can write to us or you can comment to that video, so we can definitely answer your queries. So now moving forward, our next topic is ledger. In first company, there are certain four ledgers are created, that is a cash or CGST, SGST, IGST. Agar aap nayi company banayenge to. So this is the main screen ऑफ द लेजर, जहाँ पे मान लीजिए हमें एक कस्टमर का लेजर बनाना है. सो आई एम डूइंग दैट. धारा ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें उसका ग्रुप सेलेक्ट करना है कि वो किस ग्रुप में, नेचर ऑफ लेजर का ट्रांजैक्शन क्या होगा, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ओडी और बैंक अकाउंट है, कैश है, या डेटर क्रेडिटर है. अगर डेटर क्रेडिटर है तो उसका क्रेडिट पीरियड अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, सो यू कैन डिफाइन हियर. दिस इज़ द एड्रेस, कुंज नियर वसंत विहार, इट इज़ अ एरिया, दिस इज़ अ पिन कोड, सिटी, स्टेट. अगेन स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ GST. एज यू नो द GST लॉ कि अगर इंटर स्टेट या इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन होगा तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द कंपनी एंड द लेजर ऑफ द कंपनी, लेजर ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजर, सॉरी. सो यहाँ पे हमें स्टेट डिफाइन करना और इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आउटर स्टेट का पार्टी हुआ तो अगर हमने यहाँ पे गुजरात लिया है तो वो कैलकुलेशन ठीक से नहीं होगा. तो स्टेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लेजर क्रिएशन. मिस्टर जॉय, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे वी कैन पंच इट, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर दूसरा हो सकता है तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी द सेम वन. टैक्स यू कैन डिफाइन हियर इट, द ईमेल एड्रेस. अगर CC या BCC है तो भी हम यहाँ पे डिफाइन
कर सकते हैं। सो व्हाइल डूइंग द इनेबल करेंगे हम ईमेल मॉड्यूल, और जब ट्रांजेक्शन से ईमेल फायर होंगे तो ये सारे एड्रेसेस पे ईमेल फायर होंगे। नाउ स्टेट्यूटरी इन्फॉर्मेशन इफ द डेटर और क्रेडिटर, अगर पार्टी हमारा डेटर या क्रेडिटर है तो उसका स्टेट्यूटरी डिटेल क्या है, कि वो रजिस्ट्रेशन टाइप उसका रेगुलर है, अननोन, कंपोजिट, कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड। सो हियर इट इज़ अ रजिस्टर्ड, उसका जो भी पैन नंबर होगा वी कैन डिफाइन हियर। उसका डेट हम जो भी चाहे डिफाइन कर सकते हैं। पार्टी टाइप अगर आप सेज या गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं तो अकॉर्डिंगली इट विल बी मैप्ड हियर, एंड दैट इज़ द GSTN नंबर ऑफ द पार्टी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्यूटरी इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट अगर कोई पार्टी का बैंक इन्फॉर्मेशन है स्टोर करके रखना है हमें तो हम रख सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ काम आएगी सप्लायर में, तो जहाँ पे हम रेगुलर उसको पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट डिस्काउंट कंफिगरेशन, अगर आप ट्रेडर है या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे काम कर रहे हैं या एनी अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो जहाँ पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। और डिस्काउंट कैसे एप्लीकेबल होता है कि देयर इज़ अ यू हैव अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जहाँ पे आप कभी कॉमन डिस्काउंट देना चाहेंगे, या पार्टी के अंदर मतलब डिस्काउंट फिक्स रहता है कि ये पार्टी एक्स पार्टी है तो उसका इतना परसेंटेज, वाई पार्टी है तो उसका इतना परसेंटेज। सो हियर वी कैन कॉन्फ़िगर दैट स्ट्रक्चर ऑफ डिस्काउंट। तो आप कॉमन भी डाल सकते हैं कि भाई इसकी सारी आइटम, इसका जब भी धारा ट्रेडर्स का बिल बनेगा तो 5% फ्लैट डिस्काउंट उसको मिलेगा। और अगर ये आपका पुराना पार्टी है, ओपनिंग डालना चाहेंगे आप यहाँ से कि उसका कुछ पहले का बाकी है, तो आप यहाँ पे उसका बिल रेफरेंस नंबर के साथ, लेट्स से लास्ट ईयर बिल 020, यहाँ पे उसकी अमाउंट जो भी है आप डाल सकते हैं। एंड एन नंबर ऑफ बिल्स इफ यू आर देयर, सो 5000 डेबिट बैलेंस इज विथ धारा ट्रेडर्स। हियर डिस्काउंट के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपको कॉमन डिस्काउंट नहीं देना है देन यू कैन डू दैट सॉरी अगर आपको कॉमन डिस्काउंट नहीं देना है तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, कैटेगरी और आइटम वाइज। जैसे आइटम वाइज आपने सेलेक्ट किया, हियर यू कैन डिफाइन योर आइटम्स, कौन सी आइटम पे हमें कितना देना है, 2%, किसी आइटम पे हमें 1% देना है। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डिफाइन द डिस्काउंट टू अ पार्टी, ग्रुप वाइज, आइटम वाइज और कैटेगरी वाइज। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आइटम, हियर इट इज आइटम, दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ आइटम, SKU योर स्टॉक आइटम। सो लेट्स क्रिएट अ वन स्टॉक आइटम, MS5। द फर्स्ट टैग इज इट सर्विस आइटम। सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड अ सर्विस आइटम? सर्विस आइटम इट्स द एडिशनल टैग जहाँ पे ये आइटम क्रिएट करने से आपको बिहेवियर आइटम जैसा ही मिलेगा। यू कैन ऐड द क्वांटिटी, रेट एंड ऑल द कैलकुलेशन, बट उसका स्टॉक का इफेक्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए कुछ सर्विसेज ऐसी है जो क्वांटिटी बेस पे हो रही है, सो यू कैन डिफाइन एज अ सर्विस आइटम। आफ्टर दैट आइटम कोड, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ऑल द एस्ट्रिक विद द रेड साइन, those fields are only compulsory to create one master. Item code अगर डालना चाहे डाल सकते हैं। Group, यहाँ पे आप अपने हिसाब से group बना सकते हैं, so you can get various reports based on this groupings. So it is up to you. Category, it is another level of grouping. Number, आप जो भी रखना चाहते हैं, meter है, अब नया unit अपने आप यहाँ पे अगर नहीं है तो create कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूनिट, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे 1 dozen इज इक्वल टू 12 नंबर्स, सो यू वॉन्ट अ स्टॉक इन डजन ऑल्सो, इन नंबर्स ऑल्सो, सो
सो यहाँ पे आप ऑल्टरनेट यूनिट के साथ वो डिफाइन कर सकते हैं। ना UQC, UQC इज़ नथिंग बट जो हमें GST के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड है वो यहाँ डिफाइन करना है। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट, आफ्टर दैट परचेज रेट, सेल रेट अगर आप डिफाइन करना चाहें फॉर आइटम तो उससे होगा क्या। तो यहाँ पे अगर डिफाइन किया है तो एट द टाइम ऑफ परचेज वो रेट अपने आप लेके आएगा। सेम वे सेल्स रेट डिफाइन किया है तो वो सेल्स के वक्त लेके आएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट। नाउ इंक्लूसिव रेट, इंक्लूसिव रेट मीन्स वाइल द डूइंग द ट्रांजेक्शन आप अगर इंक्लूसिव रेट यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे तो वो अपने आप इंक्लूसिव रेट लेके आएगा और डिपेंडिंग ऑन द GST वो एक्सक्लूसिव रेट अपना निकालेगा। अगेन इज इंक्लूसिव आइटम फॉर सेल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टैग है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए हम 50 आइटम का सेल कर रहे हैं बट उसमें से कुछ आइटम है 3-4 जो इंक्लूसिव के आधार पे वर्किंग होगी, मतलब रेट उसका इंक्लूसिव डिफाइन होता है। तो अगर आपने ये डाल दिया है तो एंट्री करते वक्त हम एंट्री के चैप्टर में देखेंगे कि वो अपने आप इंक्लूसिव के लिए ही आपको पूछेगा कि क्या रेट ऑफ इंक्लूसिव है उसका। आफ्टर दैट GST डिटेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। तो यहाँ पे हम GST स्लैब में जाएंगे, कब से डिफाइन करना है, ऑन वैल्यू है या ऑन आइटम रेट। एज यू नो कि गारमेंट इंडस्ट्री और कुछ और इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे ऑन वैल्यू है। तो ऑन वैल्यू और ऑन आइटम रेट का मतलब है गारमेंट का अगर एग्जांपल देके एक 1 रुपीज से लेकर 99 तक का जो भी गारमेंट होगा वो 5% या 12% में आएगा, अबव दैट 18%, सो वो है आइटम रेट। सो हियर यहाँ पे हम ऑन वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम उसका HSN डिफाइन करेंगे एंड व्हाट इज़ द GST। तो अगर 12% है तो आप 12 डालेंगे, 18 है तो 18, तो वो अपने आप CGST SGST bifurcate करेगा। एंड देन इंसर्ट, ये पीरियोडिक दिया गया है। ये क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट किसी भी डेट पे जाके उसको रिवाइज करती है, जैसे आपने पास्ट एक्सपीरियंस किया ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हुई थी तो और आगे भी हो सकती है, सो फॉर दैट पीरियोडिक टेबल इज़ गिवन फॉर दैट। और अपडेट करने से यहाँ पे भी सारी डिटेल उसकी GST की आ जाएगी। अगर आप बैच ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं एंड देन द ओपनिंग बैलेंस फॉर दैट आइटम। आज आप सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग सम क्लोजिंग्स, तो यहाँ पे एज अ ओपनिंग आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको डिफ़ॉल्ट लिख के रखना है तो सारे ट्रांजेक्शन्स में वो अपने आप लेके आ जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन हर बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिप्शन इन मास्टर। सो हियर आई एम जस्ट सेविंग दैट। सो हियर वी क्रिएटेड वन आइटम, सो दिस वे यू कैन क्रिएट ऑल योर आइटम्स विथ ऑल योर नेसेसरी डिटेल्स। यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं पाइप, तो पाइप में कितनी पाइप है, ऑल करने से सारे आ जाएंगे। कैटेगरी इफ़ यू हैव डिफाइंड, अगर नाम से आप ढूंढना चाहते हैं तो नाम से, एंड इफ़ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशंस तो आप कर सकते हैं। ओके, तो वी हैव सीन अप टिल नाउ कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन एंड आइटम क्रिएशन। अगर आप गोडाउन मेंटेन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गोडाउन फ्रॉम हियर। इट इज़ अ सिंपल वन कि जैसे आपने गोडाउन का नाम लिखा एंड यू जस्ट सेव इट। नाउ देयर इज़ अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने सारे आइटम्स क्रिएट कर दिए, या मान लो कि अभी गवर्नमेंट ने टैक्स रिविजन किया है कि जितने भी 18% वाला आपका आइटम था और वो सारा 12% में फॉल कर रहा है, तो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप एक साथ उस 500 या 50 आइटम या 100 आइटम को एक साथ टैक्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इन मास्टर वी हैव लास्ट बटन आइटम GST सेटअप। इफ़ आई शो ऑल देन यहाँ पे हमें वो दिखाई देगा GST परसेंटेज के हिसाब से सारे आइटम्स। कुछ नहीं करना है, जो आइटम जिसमें फॉल कर रही है उसको हम यहाँ से सर्चिंग करके भी निकाल सकते हैं कि लेट्स से 18% एंड शो, तो वो सारा 18 का दिखाएगा। यू कैन चेक ऑल
और एनी ऑफ वन एंड अपडेट। सो यहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे। सो लेट सी कि अगर हमारे पास 12% वाला जो राउंड बार है, वी नीड टू अपडेट फ्रॉम टुडे ऑन वैल्यू HSN इसका सेम रहेगा एंड इट विल इन 18 एंड कंटिन्यू। सो एज यू सी राउंड बार 21 18%। सो यहाँ से एक साथ आप इजीली सारे आइटम का HSN बदलना है या टैक्स रेट बदलना है या टैक्स टाइप बदलना है और एप्लीकेबिलिटी डेट बदलना है, यू कैन डू दैट विद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चिंग। HSN से सर्च कर सकते हैं, ग्रुप से, कैटेगरी से, टैक्स टाइप से या GST से। ओके, सो फॉर टुडे वी हैव कंप्लीटेड कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन एंड आइटम GST सेटअप। सो एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द डे कि ऑलवेज जब भी कुछ काम कर रहे हैं, यू नीड टू टेक द बैकअप। बैकअप इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव योर डेट बिकॉज योर डेटा इज विथ यू ओनली, सो यू नीड टू सेव इट। सो स्टे ट्यून फॉर अवर नेक्स्ट सेशंस विच इज हाउ टू डू परचेज एंट्री एंड व्यू इट्स रजिस्टर एंड बिलिंग। Okay, stay tuned with us for that. Up till now, if any query, write to us on our email ID, that is support@creativesoft.in, or you can directly call us 7620-17164 or 97237-43797. Till then, bye-bye, stay tuned, stay safe.